जोधपुर की पुलिस ने पंजाब के एक घर के विच रेड की। गुरजीत सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। यह शख्स घर के विच जाली नोट तैयार करता सी, फिर राजस्थान भेज दिंदा सी। तां जोधपुर की पुलिस के वलों पटियाला पुलिस को नाल लिजा के इस व्यक्ति का पर्दाफाश किया गया। जोधपुर की पुलिस ने सनौर पुलिस को नाल लिजा के महला कसाबिया के एक घर के विच रेड की गई, जिथे गुरजीत सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। यह शख्स अशोक कुमार नाम के शख्स, गुरजीत सिंह के नाल अशोक कुमार नाम का शख्स भी सी, जिहड़ा कि करंसी नू राजस्थान दे विच चलाउंदा सी। जदों उसदे वल्लों दित्ती गई करंसी बारे जोधपुर पुलिस दे वल्लों उसनू फड़िया गया, तां उसने दस्या कि यह नकली नोट सनौर जिला पटियाला तों गुरजीत सिंह नाम दे बंदे तों लै के आउंदा। जिस तों बाद जोधपुर दी पुलिस ने इंस्पैक्टर रीना राणी दी अगवाई दे विच रेड कीती ते गुरजीत सिंह नाम दे व्यक्ति दे घर विच लगा प्रिंटर कंप्यूटर सीपीयू जब्त किया। दस्या कि यह यूट्यूब तो सीख के जाली नोट तैयार करता सी, फिर वख-वख सूबियां दे विच सप्लाई करता सी। तां पुलिस दे वल्लों इसका भंडाफोड़ किया गया। कुछ लोग नकली नोट लिए हुए हैं तो उनको जोधपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास गिरफ्तार मुलजिम अशोक की इतला के अनुसार हम पंजाब आए। ये जो गिरफ्तार के कहाँ के रहने वाले, कोई जानकारी इनके बारे में मिली है? कहाँ के, हमारे पास पहले से जो गिरफ्तार सुधा मुलजिम है वो जोधपुर के निवासी है, और उन्होंने इतला दी कि हम ये जो जाली नोट है वो पंजाब पटियाला से लेके आ रहे हैं। तो इसी की इतला के अनुसार हम पटियाला आए और इसको हम तलाश करते हुए इसके घर तक। तो राजस्थान में कहाँ सप्लाई करने थे नोट? ये राजस्थान के जोधपुर। तो कब से कर रहे हैं ये काम, इन्होंने बताया कब से काम कर रहे हैं? अब तक कितने परसेंट के खिलाफ हमारे पास जो गिरफ्तार मुलजिम है इन्होंने तो दो महीने का लगभग बताया कि 2 महीने से हम ला रहे हैं। और अब हम जब यहाँ से जो गिरफ्तार किया है मुलजिम गुरजीत सिंह, इसने बताया कि मैं पिछले 1-1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो ये कहाँ से लेकर आता था? पंजाब में काम कर रहा है, पिछले 1.5 साल से काम कर रहा है करेंसी लेकर आने का, डुप्लीकेट करेंसी जा रही है राजस्थान में, तो ये पंजाब में कहाँ से लेकर आता था? ये पंजाब में खुद ही अपने घर पर अपने प्रिंटर और अन्य मशीनें लगा कर छापता था और फिर आगे सप्लाई करता था। तो जो करेंसी पकड़ी, कितनी करेंसी है? अभी जो करेंसी पकड़ी है उसमें 100-100 के 45 नोट है और 500-500 के 68 नोट, 200-200 के 76 नोट है। तो ये तो ट्रेस कैसे किया आपने, कैसी जानकारी मिली, किसने आपको सूचना दी कि ये काम कर रहे हैं? जो हमारे पास प्रकरण संख्या 175 पुलिस थाना सरदारपुरा में जो चल रहा था उसके अनुसंधान में जो हमारे पास गिरफ्तार शुदा मुलजिम है मुलजिम अशोक ने इतला दी, इस इतला की तस्दीक में हम पटियाला आए और वहाँ पर इसने बताया कि मैंने इसके घर से मैंने खरीदे थे। तो इसी के इतला अनुसार हम इसके घर तक पहुँचे जहाँ हमें ये नोट गिनते हुए मिला। तो यहाँ से जो मशीनरी वगैरह जो स्कैनर है क्या वो पुलिस को बरामद हुआ? बिल्कुल, यहाँ पे इसका कंप्यूटर सीपीयू और जो मशीनें छापने वाली मशीनें और नोट छापने वाली मशीनें और कुछ अन्य जो सामान जो नकली नोट बनाने में काम आ रहे हैं, लेमिनेशन की मशीनें हैं, कुछ कटर है और ऐसी कोई सामान है जो ये सामग्री लेकर आते थे, पेपर लेकर आते थे, कहाँ से पेपर करते थे जो नोट वगैरह छापते थे? ये पेपर का इसने बताया कि मैं कोई सामान्य स्टेशनरी से कहीं से भी ये पेपर ले आता था। तो फिर 1.5 साल से काम कर रहे हैं? 1.5 साल से। नहीं, ये बताया कि मैंने YouTube से ही सीखा है और मैं अकेले ही छापता हूँ और आगे सप्लाई करता हूँ। तो कितनी करेंसी अभी तक है टोटल अमाउंट जो पकड़ी गई है, कहाँ से पकड़ी गई वो? अभी यहाँ से जो पटियाला से मिली है वो करेंसी हमें अभी जो मैंने बताया आपको 100-100 के 45 नोट, 500 के 68 नोट और 200-200 के 76 नोट है। इससे पहले हमने एक बार 45,500 और एक बार 37,500 पहले से हम बरामद कर चुके हैं। जो ये करेंसी सनौर से पकड़ी गई है गुरजीत सिंह के घर से, उसके साथ प्रिंटर पकड़े गए, इसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी आपका? कुछ लगभग 54,000 तक हो सकते हैं। तो अभी तक इसने मार्केट में भी सप्लाई की थी सनौर मार्केट में? मार्केट में जो पहले इन्होंने 2 बार में ये जो जोधपुर भेजे थे और इसके अलावा भी अभी पूछताछ करनी बाकी है और विस्तृत पूछताछ करके बताया जाएगा कि और कहां कहां इसने सप्लाई किया है।